गाइस कैसे हो आप सभी लोग, आप सबका स्वागत है एक और खतरनाक सी वीडियो में। और गाइस अभी मैं जा रहा हूँ फटाफट से टीवी अपना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है लॉस सैंटोस में। बहुत टाइम से मैंने न्यूज नहीं देखी। चलो फटाफट से टीवी शुरू करते हैं। एक सेकंड, ये टीवी क्यों नहीं चल रही? अरे फिर से क्या होगा, घर में लाइट तो आ रही है पर सिर्फ टीवी नहीं चल रही। मुझे लगता है टीवी की वायर फिर से हिल गई होगी, मुझे उसको जाकर ठीक करना पड़ेगा। चलो फटाफट से छत पर चलते हैं, वहां पर जाके अपनी टीवी की वायर को ठीक करते हैं। अरे इस वायर को रोज रोज क्या हो जाता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। एक सेकंड, ये क्या चल रहा है? अबे ये बंदर कहाँ से आ गए? जिस खंबे से हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और टीवी की लाइन आती है उस पर ये बंदर खड़े, ये क्या कर रहे हैं? अरे कैसर, ये बंदर तो यहाँ पर घोंसला बना के बैठ चुके हैं, इनकी वजह से मेरी टीवी नहीं चल रही। अभी इनको बताता हूँ, तेरी बंदर ऐसी की तैसी नीचे गिर। एक को तो मैंने गिरा दिया, बाकियों को भी गिराते हैं। अबे नीचे गिरो, मेरी टीवी नहीं आ रही यहाँ पर, नीचे गिर जा। इसको भी नीचे गिरा दिया, अब ये आखिरी बचा है और इसको भी नीचे गिरा दिया। तो तीनों बंदरों को हमने यहाँ पर नीचे गिरा दिया है, पता नहीं टीवी के ऊपर चढ़ के क्या कर रहे थे। अब देखते हैं, अब हमारी टीवी यहाँ पर शुरू होने वाली है। चलो देखते हैं क्या चल रहा है लॉस सैंटोस में। चैलेंज चैलेंज चैलेंज, लॉस सैंटोस में आ चुका है एक और नया चैलेंज। अगर आप जीतना चाहते हो ये खतरनाक सा मेंशन जिसका प्राइस है 100 मिलियन डॉलर्स, तो आप आए हो बिल्कुल सही जगह पर, क्योंकि हम करा रहे हैं खतरनाक सा चैलेंज जिसमें होगी 3 लेवल। अगर तुमने तीनों लेवल को पार किया तो तुम्हें ये खतरनाक सा 100 मिलियन डॉलर का मेंशन मिलने वाला है। तो अगर तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो जल्दी से इस नंबर पर मैसेज करो हाय, और आप कर लोगे पार्टिसिपेट सक्सेसफुली इस रैम चैलेंज में। सीटें बहुत ही कम है तो जल्दी जल्दी हाय भेजो। ब्रेकिंग न्यूज। और गाइसर ये क्या, मैंने तो यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर टीवी स्टार्ट करी। यहाँ पर एक खतरनाक सा चैलेंज होने वाला है लॉस सैंटोस में, अगर हम उसमें जीते तो हमें मिलेगा 100 मिलियन डॉलर का मेंशन। तो गाइसर इन्होंने जो मुझे नंबर दिया था, फटाफट से उस पर जाकर मैसेज कर लेते हैं ताकि हम भी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर पाए। जल्दी जल्दी इनको मैसेज कर देता हूँ। HII हाय, मैंने इनको यहाँ पर मैसेज कर दिया है, इसका मतलब अभी मैं एक खतरनाक से चैलेंज में जाने वाला हूँ, तो मुझे फटाफट से अच्छे कपड़े पहन लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे चैलेंज में जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी हम यहाँ पर पहनने वाले टक्सीडो, लेट्स गो। मैं कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा हूँ, फटाफट से चलते हैं इस खतरनाक से चैलेंज में जिसमें हम जीत सकते हैं 100 मिलियन डॉलर्स। तुम लोगों का स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में। ये होने वाली है लेवल 1। उस 100 मिलियन डॉलर वाले मेंशन को जीतने के लिए हमारे सारे के सारे कंटेस्टेंट यहाँ पर आ चुके हैं। फ्रैंकलिन, वांडा, आयरन मैन, तत्वल्क। एक सेकंड, तत्वल्क आपको ये क्या हो गया? मैं अपग्रेड हो चुका हूँ, सब लोग मुझे तत्वल्क बोल बोल कर और भी बूढ़ा बनाते जा रहे थे, और मैं सारे चैलेंज हारता जा रहा था क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया था। पर अब मैं खतरनाक अल्क बन चुका हूँ और मैं सारे चैलेंज जीतूंगा। ओके ओके दत्तू भाई, और हमारे साथ है स्पाइडरमैन, वो भी मोटा वाला। तो तुम्हें तो बताइए क्या होने वाला है, ये होने वाली है लेवल 1, और इस पूरे के पूरे चैलेंज को तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा अगर तुम जाना चाहते हो लेवल 2 में। तुम 5 में से एक जना यहाँ पर डिस्क्वालीफाई होगा और 4 जाएंगे अगली लेवल पर। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन जाना चाहेगा? मैं चाहूंगी। हाँ ओके ओके, लेडीज फर्स्ट, तुम सबसे पहले जाओ। क्या लेडीज फर्स्ट? अब तो मैं नहीं चाहूंगी। अरे क्यों नहीं चाहोगी? मेरा थोड़ा मेकअप करना बाकी रह गया, रुको मैं थोड़ी देर में आती हूँ, जब तक तुम कर लो। अरे ये क्या, वांडा तो चली गई। तुम टेंशन मत लो, मैं ये चैलेंज करूंगा सबसे पहले। ओके आयरन मैन तुम जाओ, देखते हैं तुम क्या करने वाले हो। तो गाइसर अभी आप देख सकते हो चैलेंज को स्टार्ट करने के लिए हमारे आयरन मैन यहाँ पर आ चुके हैं इस चैलेंज को स्टार्ट करने के लिए। ये सबसे पहली लेवल यहाँ पर होने वाली है, हमें इसमें क्वालिफाई होके जाना है सेकंड लेवल पर। यहाँ पर टोटल 5 कंटेस्टेंट है, उसमें से 4 जने जाने वाले हैं और 1 जना घर जाने वाला है। तो देखते हैं कौन होने वाला है जना वो जो कि घर जाएगा। तो गाइसर अगर आप चाहते हो मैं घर नहीं जाऊँ तो फटाफट से कमेंट में लिखो गुड लक फ्रैंकलिन, अगर आप नहीं लिखोगे तो मैं तो सीधा घर पर जाने वाला हूँ। तो जल्दी जल्दी गुड लक फ्रैंकलिन कमेंट कर देना। और अभी आप देख सकते हो आयरन मैन तो फुल स्पीड में जाता जा रहा है। मैं तो ये चैलेंज कैसे भी करके जीत के रहूंगा,
मुझे वो 100 मिलियन डॉलर वाला मेंशन चाहिए। अरे वो तो सबको चाहिए, तभी तो इधर आए। तो गाइस सर, आयरन मैन तो फुल स्पीड में जाता जा रहा है, आपको क्या लगता है क्या ये चैलेंज फिनिश करेगा? मैं तो ये चैलेंज पूरा का पूरा फिनिश करने वाला हूँ। आयरन मैन जल्दी से गिर जा वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। अरे तत्तू आइक, तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं नहीं गिर सकता, मुझे ये पूरा का पूरा चैलेंज कंप्लीट करना है। सॉरी तत्तू आइक, मुझे ये चैलेंज जीतना ही पड़ेगा। आयरन मैन, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तुम्हारे प्यारे तत्तू की। सॉरी तत्तू आइक, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। अरे तो सर जी, आप मेरी तो बात सुनते हो ना, जल्दी से ये चैलेंज हार जाओ। नहीं स्पाइडरमैन, आज मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला, क्योंकि मुझे वो 100 मिलियन डॉलर वाला मेंशन चाहिए, मतलब चाहिए। तो कैसर, आयरन मैन तो बहुत ही ज्यादा सीरियस है इस 100 मिलियन डॉलर मेंशन को जीतने के लिए, तो आपको भी बहुत ही ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी जाकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सीरियसली कमेंट कर दो आप क्या चाहते हो कि कौन जीते, फ्रैंकलिन द डुअल, स्पाइडरमैन, आयरन मैन या फिर वोंडा। आप जो भी चाहोगे वही होगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो कि कौन आपके हिसाब से जीतना चाहिए। अभी आयरन मैन तो फुल स्पीड में जाता जा रहा है, और ये देखना मैं तो फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाऊंगा। ये और गाइस, सामने फिनिशिंग लाइन है, और ये क्या आयरन मैन ने तो सीधे लैंडिंग कर लिए फिनिशिंग लाइन पे। इसका मतलब लेवल 1 आयरन मैन ने क्लियर कर दी। ये मेंशन मैं ही लेकर रहूंगा। अरे चलो चलो, मैं आ गई मेकअप करके, अब मेरी बारी आ चुकी है। हाँ वांडा, अब तुम्हारी बारी है, जाओ और इस चैलेंज को कंप्लीट करके दिखाओ। ओके ओके, तुम टेंशन मत लो, मैं तो बचपन में जब 3 साल की थी तब से बाइक चला रही हूँ, मैं तो इस चैलेंज को आराम से कंप्लीट कर दूंगी। अबे वांडा, तुझे लगता है उतना ज्यादा इजी ये चैलेंज है? नहीं, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्या मुश्किल? अभी दिखाती हूँ, इस मुश्किल से चैलेंज को मैं इजीली कंप्लीट करूंगी कि फ्रैंकलिन काले तुझे कभी पता नहीं चलेगा। ये और कैसर, ये क्या, ये तो चीटिंग है। ये कोई चीटिंग नहीं है बच्चे, इसको बोलते हैं बाइक चलाने की स्किल्स। अरे कैसर, इसने तो आधे से ज्यादा चैलेंज स्किप करके सीधा यहाँ पर लैंडिंग कर ली, और ये यहाँ पर गिर चुकी है। मैं तो सिर्फ रैंप पर गिर रही हूँ, लावा में नहीं, मैं ये चैलेंज जीत के रहूंगी। अरे कैसर, ये वांडा ने तो सही में बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिमाग लगा के यहाँ पर आधे से ज्यादा चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है। सामने फिनिशिंग लाइन ऑलरेडी दिखने लग चुकी है। मैं भी यही करूंगा, हल्क भी यही करके जीतेगा। अरे तत्तू आई, सबके सब लोग मेरी तरह प्रोफेशनल राइडर नहीं होते, तुम नहीं कर सकते, भूल जाओ। और कैसर, ये क्या, वांडा ने तो ये चैलेंज कंप्लीट भी कर दिया, और ये फिनिशिंग लाइन पर आ चुकी है। हल्क, अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। मेरी बारी आखिरकार आ गई, सब लोग मुझे बूढ़ा हल्क बोलते थे, अब जब मैं चैलेंज को जीत कर दिखाऊंगा तो कोई भी मुझे बूढ़ा हल्क नहीं बोल पाएगा। और मैं भी इस चैलेंज को यहीं से कंप्लीट करूंगा। अरे काइजर, ये क्या, हल्क ने भी यहाँ से जंप कर लिए, और ये तो जा रहा है, और ये लावा में न गिर जाए, और इसने भी बढ़िया सी लैंडिंग यहाँ पर कर दी है। हल्क ये चैलेंज जीत कर रहेगा। वी, हट जाओ सबके सब सामने से, हल्क आ रहा है फिनिशिंग लाइन पर। तो कैसर, अभी तत्तू, हल्क ने भी यहाँ पर लगभग चैलेंज कंप्लीट कर दिया है, बस फिनिशिंग लाइन पर पहुंचना बाकी है, और ये आराम से जो कि पहुंच जाएगा। ये शॉर्टकट जो कि वांडा ने ढूंढा था वो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये क्या, हल्क भी फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गया। मैंने बोला था मैं सारे के सारे चैलेंज फिनिश करके दिखाऊंगा। अब तो मेरी बारी आ चुकी है, मैंने भी शॉर्टकट देख लिए, मैं भी उसी शॉर्टकट से जाऊंगा। अब तो सारे के सारे लोग उसी शॉर्टकट से जाने वाले, इतना बढ़िया शॉर्टकट जो ढूंढ के दिया है वांडा ने। सबके सब हट जाओ, मैं भी आ रहा हूँ शॉर्टकट यूज करने। ये अरे शॉर्टकट आगे, इधर क्यों खुश हो रहे? स्पाइडरमैन भी शॉर्टकट की तरफ जा रहा है, और ये क्या, ये तो नीचे गिर गया। अरे ये कैसे हो सकता है, मुझे बचाओ, मुझे लावा में नहीं जाना। अरे कैसर, मैंने तो सोचा था वो शॉर्टकट बहुत ही ज्यादा इजी होगा, पर स्पाइडरमैन तो वहां पर जगह गिर गया। अब मुझे सोचना पड़ेगा क्या मैं उस शॉर्टकट पर जाऊं या फिर नहीं। नहीं यार, मैं रिस्क नहीं ले सकता, मुझे 100 मिलियन डॉलर वाला मेंशन कैसे भी करके चाहिए। बाकी सारे लोग वाले शॉर्टकट से पहुंच गए हो, पर मैं पूरा का पूरा चैलेंज कंप्लीट करके जाऊंगा तो ये मेंशन मेरे हाथों से चला जाएगा। तो फटाफट से चलते, मैं तो यहां पर पूरा का पूरा चैलेंज कंप्लीट करने वाला हूं। चलो गाइस, फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में लिख दो
गुड लक फ्रैंकलिन, क्योंकि गाइजर हम निकल चुके हैं इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। मैं कोई भी शॉर्टकट यहाँ पर नहीं लेने वाला, मैं सारे के सारे चैलेंजेस बिल्कुल असली तरीके से करूंगा, कोई शॉर्टकट नहीं लूंगा। वो अलग बात है, मुझे डर लग रहा है अगर मैंने शॉर्टकट लिया और अगर मैं गलती से लावा में गिर गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो फटाफट से यहाँ पर आराम आराम से जाएंगे। आपको तो पता ही है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, हम आराम आराम से जाएंगे और ये खतरनाक सा 100 मिलियन डॉलर वाला मेंशन जीत करेंगे। यहाँ से फटाफट से अपनी बाइक को खुदा रहे थे और ये सारी फुटबॉल्स को उड़ाते उड़ाते हम लोग आ चुके हैं कार्स के पास। फटाफट से अपनी गाड़ी यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो गाइस याद रखना, ये तो सिर्फ पहला चैलेंज है, अभी भी दो और चैलेंज कंप्लीट करने पड़ेंगे अगर हमें जीतना है वो खतरनाक सा 100 मिलियन डॉलर वाला मेंशन। मुझे तीनों के तीनों चैलेंजेस में जीतना पड़ेगा, हारने की कोई उम्मीद नहीं है, तभी हमें वो मेंशन मिलने वाला है। और हमारे अपोनेंट्स आपको बताइए दद्दू हल्क, आयरन मैन और वांडा, और वो तो जब होगा जब हम ये वाला चैलेंज कंप्लीट करेंगे। तो आपको क्या लगता है, हम सारे के सारे चैलेंजेस करके क्या वो 100 मिलियन डॉलर वाला मेंशन जीत सकते हैं? फटाफट से कमेंट करके बता देना। और गाइस जहां पर सारे के सारे लोग शॉर्टकट लेकर आ रहे थे, हम भी वहां पर आ चुके हैं पूरा का पूरा चैलेंज कंप्लीट करते करते, और अब हम भी जाएंगे सीधा फिनिशिंग लाइन की तरफ। बस बीच में कोई दिक्कत ना हो जाए और मैं कहीं गिर ना जाऊं, तो आराम आराम से जाएंगे यहां से फुल स्पीड में। हम जाते जा रहे सामने फिनिशिंग लाइन आ चुकी है और ये बढ़िया सी लैंडिंग भी यहां पर हो चुकी है। तो गाइस मैंने भी अपनी पहली लेवल यहां पर कंप्लीट कर दी है और मैं दूसरे चैलेंज के लिए क्वालिफाई हो चुका हूं। तो मुझे मेरे चारों क्वालिफायर मिल चुके हैं, स्पाइडरमैन होता है डिस्क्वालिफाई, बाकी तुम चारों जाने वाले हो अगले चैलेंज की तरफ। उसके बाद सिर्फ दो फाइनलिस्ट जाएंगे फाइनल चैलेंज में। तो क्या तुम तैयार हो अगले चैलेंज में जाने के लिए? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। बच्चों तुम्हारा स्वागत है लेवल 2 में। यहाँ पर तुम्हारी खतरनाक खतरनाक सुपर कार्स पड़ी है। सबके सब अपनी अपनी गाड़ी सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर होने वाली है खतरनाक सी रेस। इस रेस में सिर्फ दो जने जाने वाले हैं अगली लेवल पर, बाकी के दो जने डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मैं तो जाके रहूंगा अगली लेवल पर। अल्प भी जाएगा। मैं भी जाऊंगा। अरे मुझे बताए सबके सब जाना चाहते हैं, पर जो रेस जीतेगा वही जाएगा। चलो रेस शुरू करते हैं। तो कैसर रेस अभी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, सभी के सभी जने तैयार हैं और अपन भी फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ से भगा लेते हैं और इस रेस को हमें कैसे भी करके जीतना पड़ेगा। मुझे अगली वाली लेवल में जाने के लिए इसमें फर्स्ट या फिर सेकंड आना पड़ेगा। मैं तुम में से किसी को नहीं जीतने दूंगा। अबे दद्दू हल्क ये देखो मैं तो आगे निकल गया। और कैसर अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पर फर्स्ट पर चल रहा हूँ। ये क्या हो गया, मेरी गाड़ी ठुक गई। अरे ये कहाँ जा रही है, अरे ये सब लोग तो मेरे साथ जा रहे हैं। बाय बाय फ्रैंकलिन। अबे आयरन मैन के बच्चे ऐसे कैसे बाय बाय, मैं इनसे आगे निकल के रहूंगा। तो कैसर ये भी सबके सब जने ठुक चुके हैं और मैं फिर से आगे निकल गया। अभी मैं फर्स्ट पर चल रहा हूँ, सेकंड पर है आयरन मैन, थर्ड पर है दद्दू हल्क और फोर्थ पर है वांडा। मुझे कैसे भी करके जीतना पड़ेगा। तो कैसर अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और ये क्या दद्दू हल्क मेरे से आगे कैसे पहुंच गए? बच्चे मैं ही जीतूंगा। ऐसे कैसे जीतूंगा, तो मैं ही। फटाफट से अभी मैं फर्स्ट पोजीशन पे वापस आ चुका हूं और पिछली बार मैं यहां पर ठुका था, पर इस बार नहीं ठुकने वाला, सीधा सीधा यहां से जाएंगे। और गाइस आप देख सकते हो हम फुल स्पीड में जाने वाले इस पूरी रेस को यहां पर कंप्लीट करने वाले। सामने फिनिशिंग लाइन आ चुके, मेरे पीछे है दद्दू हल्क और मैंने कंप्लीट कर दिया, मैं सेकंड आ गया। ये अरे ये कैसे हो सकता है, मैं तो हार गया। मैं भी हार गई। तो जो लेवल 2 में होते हैं डिस्क्वालीफाई, उनका नाम है आयरन मैन और वांडा, और जो कि जाने वाले अगली लेवल में वो है फ्रैंकलिन और दद्दू हल्क। ये होने वाली है फाइनल लेवल जिसमें तुम जीतने वाले हो 100 मिलियन डॉलर्स का मेंशन। चलो आखिरी चैलेंज पर चलते हैं। तुम दोनों का स्वागत है आखिरी चैलेंज में। आज हमने तीन तीन लेवल करी, उसमें से तुम दोनों आखिरी फाइनलिस्ट बचे हो। ये है उस घर की चाबी जिसका प्राइस है 100 मिलियन डॉलर्स। क्या तुम तैयार हो इस चैलेंज को करने के लिए? अरे हाँ तैयार तो है, पर चैलेंज क्या है वो तो बताओ। अभी बताता हूँ। तुम देख सकते हो सामने एक नदी जा रही है, इस साइड है लावा, इस साइड है पानी।
तुम्हें हेलीकॉप्टर में जाना है 5,000 फीट ऊपर और वहाँ से जंप करना होगा और तुम्हें लैंड करना है इस पानी में। अगर तुम पानी में लैंड करे तो तुम जीत जाओगे और अगर लावा में लैंड करे तो तुम जल के राख होने वाले हो। तो क्या तुम तैयार हो इस चैलेंज को करने के लिए? लावा से मुझे बहुत ही डर लगता है, फिर भी मैं इस चैलेंज को करूंगा। तो ठीक है फिर दद्दू अल्क, सबसे पहले तुम ही जाओगे। ओके ओके, मैं किसी से नहीं डरता, मैं इस चैलेंज को जीत के दिखाऊंगा। तो गाइस सर, अब हम आ चुके अपने फाइनल चैलेंज पर। ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। हमें लावा में लैंड नहीं करना, पानी में लैंड करना है। और अगर गलती से भी लावा में लैंड कर लिया तो उसकी तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली है, और जिसने भी पानी में लैंड किया उसको मिलेंगे $100 million वाला मेंशन। ऊपर जाते जाओ, जाते जाओ। ओके ओके। तो गाइस सर, अभी आप देख सकते हो तत्तू अल्क तो बहुत ही ज्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं और नीचे तो हर जगह बादल बादल दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब तुम खोद सकते हो। ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। या ये आ रहा हूँ मैं पानी, मुझे लावा में नहीं जाना, पानी के अंदर जाना है। आ रहा हूँ मैं। तो गाइस सर, अभी आप देख सकते हो तत्तू अल्क फुल स्पीड में नीचे की तरफ आ रहे हैं और नीचे पानी और लावा दोनों है। ये कहाँ जाएंगे, लावा में या पानी में, अभी पता चलने वाला है। पानी मैं आ रहा हूँ, मुझे पानी में लैंड करना है। आ रहा हूँ मैं। अरे अरे, ये कह जा रहा हूँ मैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे बचाओ। अरे ये क्या हो गया, दद्दू अल्क तो लावा में गिर गए। इसी के साथ दद्दू अल्क होते हैं डिस्क्वालीफाई, क्योंकि वो लावा में जाकर गिर चुके हैं। अब तुम्हारी बारी आ चुकी है फ्रैंकलिन। ओए गाइस, ये चैलेंज सही में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दद्दू अल्क तो यहाँ पर लावा में गिर कर मर चुके हैं, पर गाइस इस चाबी के लिए हमें ये चैलेंज कम्प्लीट करना ही पड़ेगा। फटाफट से चल के हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाते हैं और 5,000 फीट ऊपर चल के जंप करेंगे सीधा पानी के अंदर। तो गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये आखिरी मौका होने वाला है। जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दो और गुड लक फ्रैंकलिन कमेंट कर देना। इसके बाद क्या पता मौका मिले ना मिले, हम सीधा लावा में भी गिर सकते हैं। तो हमें बिल्कुल ट्राई करना है कि हम पानी के अंदर गिरे। अभी फटाफट से हेलीकॉप्टर को लेकर चलते 5,000 फीट ऊपर। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हम 5,000 फीट ऊपर आ चुके हैं और हमें यहाँ से जंप करना है। 3, 2, 1 लेट्स गो। और गाइस अभी हम जाने वाले फुल स्पीड में, हमें जाना है कैसे भी करके पानी के अंदर। तो गाइस ये आखिरी बार मैं आपको बोल रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, उससे बहुत ही ज्यादा गुड लक हमारा बढ़ने वाला है। पानी में हम लैंड कर पाएंगे अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो। अभी तो फिलहाल हम फुल स्पीड में नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं। लेफ्ट में लावा, राइट में पानी, कहाँ जाना चाहते हैं? जाना तो मैं पानी में चाहता हूँ, पर जाऊंगा कहाँ वो मुझे पता नहीं। फुल स्पीड में हम जाते जा रहे हैं। पानी में, पानी में, पानी में चल जा, पानी में चल जा, आराम से आराम से आराम से आराम से। और गाइस ये क्या, हम तो सीधा पानी में लैंड कर चुके हैं। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, तुम पानी में लैंड कर गए। अगर तुम थोड़ा सा भी साइड में होते तो तुम जाते सीधा लावा में, पर कोई बात नहीं, तुम ये चैलेंज जीत चुके हो और ये घर की चाबी भी। अब जाओ अपने नए घर का मजा लो। तो गाइस फाइनली हम जीत चुके अपना $100 million वाला मेंशन। चलो फटाफट से चलते अपने नए नए घर में। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैंने ये वापस अपना टक्सीडो यहाँ पर पहन लिया, क्योंकि गाइस मैंने सोचा था मैं सारे चैलेंजेस करते भी यही पहनूंगा, पर चैलेंजेस करते टाइम ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत करता। अगर मुझे कहीं से जंप करना होता तो क्या होता, तो ये टक्सीडो हमारी बहुत ही दिक्कत करने वाला था। पर गाइस अभी हम अपने $100 million वाले मेंशन में घुसने वाले इस खतरनाक से टक्सीडो में। चलो फटाफट से अंदर चलते। और गाइस यहाँ पर हमारे सबसे पहले अंदर घुसते गाड़ियों का कलेक्शन खड़ा है और ऊपर मुझे यहाँ पर बॉडी गार्ड्स भी दिख रहे हैं। पहली बार मेरे लिए कोई बॉडी गार्ड्स आए हैं, ये सिक्योरिटी करने वाले हमारे घर की। तो यहाँ पर एक लैम्बोर्गिनी, एक रेसिंग कार, एक बुगाटी और एक खतरनाक सी कोई ना कोई सी तो गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। तो गाइस चलो फटाफट से देखते हैं इस घर में हमें क्या क्या मिलने वाला है। $100 million का ये पूरा का पूरा घर है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो दो एंट्रीज है, वहां पर गाड़ियों के लिए, यहाँ पर नॉर्मल एंट्री है। यहाँ से अपन जाएंगे अंदर और देखते हैं इस घर में क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर बढ़िया सा किचन, डाइनिंग टेबल और यहाँ पर कितना ज्यादा बड़ा सोफा और ये
ये बढ़िया सा टीवी है और यहाँ से बढ़िया सा पहाड़ों का व्यू भी आता है जो कि बहुत ज्यादा मस्त है। तो अभी अपन जाएंगे यहाँ पर और का इधर आप देख सकते हो इंडोर स्विमिंग पूल, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और यहाँ से व्यू तो देखो कितना ज्यादा मस्त आता है। साइड में लॉस सैंटोस का समुद्र, यहाँ पे लॉस सैंटोस के पहाड़ जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया और खतरनाक लग रहे हैं। और गाइस यहाँ पे साथ में हमारे गेम्स मिल जाते हैं, यहाँ पर हमारे पूल टेबल है और यहाँ पर टेबल टेनिस की भी टेबल है, सामने डार्ट्स लगे हुए, सर्फिंग बोर्ड है, जैकुजी है, पनीर टिक्का बनाने का है, सारी की सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है। और गाइस यहाँ पर कोई सीक्रेट रूम लगता है, इसको बाद में देखेंगे, पहले चलकर देखते हैं ऊपर क्या है। सीक्रेट रूम हमेशा लास्ट के लिए होता है। तो गाइस यहाँ पर हमारा बढ़िया सा ऑफिस है, $100 मिलियन में हमें एक बढ़िया ऑफिस भी मिलता है और यहाँ पर जाकर हम देखें तो अपना एक और मीटिंग रूम, यहाँ पर बढ़िया सा पियानो भी दे रखा है। और इधर चलकर देखते हैं इधर क्या है, यहाँ पर हमारा बड़ा सा बेडरूम है वो भी इतनी बड़ी टीवी के साथ, ये तो बहुत खतरनाक है। यहाँ पर सोफा लगा हुआ है और यहाँ पर होगा बाथरूम, ये बढ़िया सी जकूसी और इतने बढ़िया व्यू के साथ, पहाड़ों और समुन्दर का व्यू बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है जो कि हमें यहाँ पर मिल चुका है। और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या, यहाँ पर बढ़िया सी बालकनी है, यहाँ पर बैठ के चाय पी सकते हैं समुन्दर को देखते देखते। और यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर एक पार्टी करने का बढ़िया एरिया बना रखा है, सामने लॉस सैंटोस के पहाड़, यहाँ पर बैठ के हम अपनी पार्टी वार्टी कर सकते हैं। और गाइस हमारे घर में एक बढ़िया सा जिम भी है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कितना बढ़िया जिम बना रखा है। ये आंटी हमारी ट्रेनर है जो की हमारी मदद करती है बॉडी बनाने में और ये बहुत ही खतरनाक है। तो गाइस घर तो हमने देख लिया, अब अपन चलते हैं अपना सीक्रेट रूम देखने, देखते हैं सीक्रेट रूम में कितने सीक्रेट हैं। तो फटाफट से चलते हैं अपने सीक्रेट रूम में और गाइस अभी आपको दिखाता हूँ हमारा सीक्रेट रूम कितना खतरनाक है। पूरा का पूरा सीक्रेट रूम बना हुआ यहाँ पर पैसों से और यहाँ पर मैंने खुद का एक जेल भी बना रखा है, कोई भी ज्यादा परेशान करेगा उसको इस जेल में डाल देंगे जिसका नाम है द पैलेस। इस जेल का नाम ही द पैलेस है, यहाँ पर टीवी है, दो बेड है, जिम करने के लिए टॉयलेट है जो कि बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर है अपना प्लानिंग रूम, यहाँ पर हम प्लान करते हैं खतरनाक अटैक। अगर हमें अटैक करना है इधर तो हम यहाँ पर ये मार्कर लगाएंगे और यहाँ पर बहुत ही खतरनाक मिसाइल्स गिरने वाली है और आप देख सकते हो ये हमारे घर के सारे कैमरा यहाँ पर लगे हुए, तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। मैं तो हमने इसको यहाँ पर पैसा रखने के लिए रखा है। अब ये चलते हैं नीचे और गाइस यहाँ पर आपका स्वागत है हमारे गन रूम में, वेपन शॉप है यहाँ पर आपको हर एक वेपन यहाँ पर मिल जाएगा। पैसा छापने की मशीन भी हमने खरीद ली है, यहाँ पर बहुत सारे वेपन्स पड़े हैं। तो गाइस यहाँ पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की मशीन भी है, तो मेरे पास सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ चुकी है $100 मिलियन में। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको $100 मिलियन का ये खतरनाक सा घर। मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा, मैंने तीनों के तीनों चैलेंजेस जीत के ये फाइनली खतरनाक सा घर ले लिया है। और ये गाड़ी भी सही में बहुत ही खतरनाक है, ये कैसे बाउंस करती है, ये ये ये, और इसकी लाइटें भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बता दो कैसा लगा आपको घर, क्योंकि मुझे तो सही में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा और ये गाड़ी तो उससे भी खतरनाक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, बताना इसलिए वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो और गाइस इस अमाउंट डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन पे वापस जाके जॉइन फॉलो करना और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।